नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। मिलिट्री की कैंटीन में आम लोगों को शराब बेचते हुए सेल्समैन रंगे हाथों पकड़ा गया। 1500 रुपए की बोतल 1000 में बेच रहा था। आर्मी एक्साइज विभाग ने छापा मारकर मामले को पकड़ा। कैंटीन में सिर्फ आर्मी और एक्स मैन सर्विस मैन ही ले सकते हैं शराब। पल पल कैथल से नवीन मल्होत्रा की विशेष रिपोर्ट। एक्साइज विभाग के अधिकारियों द्वारा कैथल की आर्मी कैंटीन में आम लोगों को शराब बेचते हुए कैंटीन के सेल्समैन को रंगे हाथों पकड़ लिया। बता दें कि नियमानुसार आर्मी कैंटीन में केवल आर्मी और एक्स आर्मी सर्विसमैन एवं उसके परिवार के सदस्य ही कार्ड पर शराब ले सकते हैं। कैंटीन में बैठे ठेके से काफ़ी सस्ती मिलती है, क्योंकि कैंटीन में मिलने वाली शराब एक्साइज ड्यूटी फ्री होती है। कैथल शहर के अधिकृत ठेकेदार को सूचना मिली थी कि आर्मी कैंटीन में बिना कार्ड के ही आम लोगों को शराब बेचा रही है। कुलदीप तो दारू लेने आए थे, वो आते ही दारू दे दी। कहाँ से? यहाँ से कैंटीन से। तो फिर आपके पास कार्ड था? नहीं, कुछ नहीं था मेरे पास। वैसे ले जाते हैं, कई बार पहले भी ले जाते थे, रूटीन से देते हैं ये। कितनी बोतल ली और कितने? 4 बोतल ली, 1000 रुपए की बोतल। 1600 रुपए की। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला था, वैसे कोई जान पहचान तो थी नहीं मारी, भाई बोतल चाहिए है। बोले पहले भी ले जाते हैं, ले जाते हैं तो बोले 4000 रुपये दे दो। तो 4000 दे, 1000 की एक बोतल। कौन सी बोतल है और बाजार में कितनी है? ये 1600 की है शायद। एक्साइज इंस्पेक्टर करेंगे ना कार्रवाई, तो करने लग रही है। तो आपने इन्फॉर्म किया? हाँ जी, हाँ जी जी। मेरा नाम धर्मपाल है और मैं यहाँ ठेकेदार सुरेश लाला के साथ पार्टनर हूँ। और आज यहाँ से एक लड़का 4 बोतल ओल्ड स्मगरल दारू की लेकर निकलिया, तो मैं हमने महकमा बुलाकर वो रुकवा लिया। देखा जी 4 बोतल ले रहा था वो। फिर उससे पूछा गया भी कहाँ से लिया, बोला कैंटीन से लिया। भी कार्ड कूड महकमा ने जब उसकी तलाशी ली या पूछा, कार्ड कूड उसके पास कुछ नहीं मिला। और कैंटीन में जाकर महकमा बैठा और उसकी कार्रवाई करने लग रहा इसकी। हाँ जी, पहले भी 2-3 दफ़ा जी चलान करने की महकमा ने कोशिश भी करी है। पहले रिक्वेस्ट करके ये छोड़ दिया था। 36 बोतल एक बार एक मुलाजम से पकड़ी गई थी जो कैथल का ही था, और उससे पहले भी 18 बोतल एक बार पकड़ी गई थी। यहाँ कार्रवाई कुछ हो नहीं है सर, हम ठेका खोल रहे हैं जी। प्रत्येक आम आदमी भी आकर रेट तो 150 रुपये जो इसका बिलिंग है रेट है कैंटीन का, उससे 150 रुपये फालतू लेते हैं। और कोई भी आकर यहाँ से कोई भी बोतल ले जा सके, विस्की की या रम की कोई भी। माम जी 63 करोड़ रुपये में हमने यहाँ शहर के ठेके लिए हुए हैं और दारू यहाँ बिक रही है कैंटीन में। कम से कम भी यहाँ से 50-60 हज़ार रुपए की देरी जो डेली दारू आम पब्लिक में बंट रही है। 150 रुपए ले हैं, 10-15 हज़ार रुपए रोज का ये जो कर्मचारी हैं वो कमा रहे हैं। इसकी भी चोरी है और मारे को तो नुकसान है ही है। आम पब्लिक यहाँ हमारे ठेके की तरफ कोई जाता ही नहीं, यहाँ लेने बड़े ब्रांड है जो सारे यहीं से ले जाते हैं। हाँ जी, तो क्या विभाग साथ था जी? हमारे विभाग आया था और वो कार्रवाई करने लग रहा, देखते हैं जी विभाग क्या कार्रवाई करता है। शिकायत मिली थी कि कोई आदमी वहाँ शराब लेने के लिए पहुँचेगा किसी के नाम से, तो उस टाइम चेक किया तो उसके कब्जे से 4 बोतलें शराब की अंग्रेजी मिली। तो ये शराब सर किसने भेजी गई थी, कहाँ से आई थी, कुछ पता चला? नहीं, कैंटीन से दे रहा था जो सेल्समैन था जी। कार्ड भी दे रहे थे बगैर कार्ड? कार्ड तो उसके पास नहीं था जिस आदमी से बरामद हुई। ये कैंटीन कौन सी है, कहाँ पे है? मिलिट्री कैंटीन। तो कहाँ पे? कैथल। तो आगे क्या करनी है? आगे तो जो हमारा एक्साइज में केस दर्ज कर लिया इसका। ये पहले भी मामले आते थे? पहले हाँ, 2-3 महीने पहले पकड़ा था और उस टाइम 33-34 बोतल थी। उसका केस बना के भेजा था तो मैनेजर भी इसमें सस्पेंड हो गया था, जो सेल्समैन था उस पर भी कार्रवाई करके उसको भी निकाल दिया था। तो आप टोटल कितने बोतल पकड़ी है? नहीं, 4 बोतल हैं।